सीबीआई बनाम सीबीआई के विवाद में डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया। इनकी जगह आधी रात को एम नागेश्वर राव को अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया। सीबीआई के दो बड़े अफसरों को हटाने के फैसले को सरकार ने सही बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी की साख को बचाना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीआई एक्ट के सेक्शन 41 के तहत सीवीसी के पास जांच का अधिकार है, अधिकारी निर्दोष हुए तो उनकी वापसी हो जाएगी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के संबंध में जो सुपरिटेंडेंस का अधिकार है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है और इसीलिए बड़े अधिकारियों ने भी सीवीसी को ही, जो उनकी कंप्लेंट्स आई सीवीसी को ही गई। सीवीसी के पास वो सारा मटेरियल है जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे हैं। सीबीआई में करप्शन को लेकर मची उठापटक के बहाने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल गया। सीबीआई की अंदरूनी लड़ाई में अभी तक कहानी मीट कारोबारी मोइन कुरैशी और रिश्वत के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसे रफाल वाला एंगल दे दिया है। आरोप लगाया कि आलोक वर्मा रफाल डील के कागजात इकट्ठा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें हटा दिया गया। सीबीआई का डायरेक्टर राफेल के कागज मंगाता है, चौकीदार ने 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा, चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले और कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया, क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। छुट्टी पर भेजे जाने से नाराज आलोक वर्मा आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को होनी है। एनसीपी नेता माजद मेमन ने कहा है कि सीबीआई पर भरोसा तभी लौटेगा जब सारा कचरा साफ हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये गलत है, ये उचित नहीं है। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर तब होती जब ये सारा कचरा साफ होता। इस सरकार ने इस मामले को यहाँ रोक देने के लिए की है, क्योंकि सरकार को शायद डर है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जिनसे सरकार के लिए एम्बरेसमेंट हो। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आलोक वर्मा को ईमानदार अफसर बताया और रातों रात उन्हें हटाए जाने पर सवाल भी उठाए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आलोक वर्मा की तारीफ की। स्वामी ने कहा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर आलोक वर्मा का काम काफी अच्छा था। इधर ममता बनर्जी, मायावती और लेफ्ट ने भी सीबीआई में घमासान के बहाने सरकार पर निशाना साध दिया और इसीलिए बताना तो पड़ेगा मैं हमारा आज का सवाल, क्या सीबीआई में घमासान के पीछे राजनीति है? और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे अब अपने मेहमानों से। हम मेहमानों से आपको पहले मिलवा देते हैं। आज इस डिबेट में हमारे साथ राजीव जेटली रहेंगे, बीजेपी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रहेंगे, जीविया शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। निनाद सेठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निनाद सेठ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। डॉक्टर सूरज सिंह हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, शक्ति यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और एपी सिंह एक्स डायरेक्टर हैं सीबीआई के, वो भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं, हालांकि एपी सिंह जी के पास जाना चाहती थी लेकिन अभी वो हमारे साथ है नहीं, तो मैं सबसे पहले जाऊंगी जेटली जी आपके पास। जेटली जी, क्या हो रहा है सीबीआई वर्सेस सीबीआई? सीबीआई के घर में सीबीआई ही रेड मार रही है और सीबीआई के ही नंबर वन नंबर टू अफसरों की छुट्टी हो जाती है, जवाबदेही तो सरकार की बनेगी ना? देखिए, सीबीआई का पद कोई पॉलिटिकल पद नहीं है। सीबीआई का पद किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी का पद नहीं है जिसके ऊपर कितने भी भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हों, बावजूद उसके वो वहां बैठा रहा है। सीबीआई एक बहुत प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है और प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के अंदर अगर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और दोनों ही अधिकारी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उसकी निष्पक्षता से जांच करने के लिए सीबीसी जो एक अथॉरिटी है, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जांच कर सकती है, वो जांच कब कर पाएगी? जब वो जांच तब कर पाएगी जब दोनों अधिकारी अपने पदों पर एक्टिव रूप से नहीं बैठे होंगे। जब वो छुट्टी पर होंगे, जब वो उन जगहों पर मौजूद नहीं होंगे तो उनकी जांच एक मजबूती से पारदर्शिता से आगे बढ़ेगी। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती हो तो वो बना सकती है, क्योंकि कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी आईपीएस ऑफिसर हो, और कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी आईपीएस ऑफिसर का फेवर कर रही है
तो इससे तो एक बात साफ जाहिर होती है कि आपकी मंशा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि सीबीआई में भी पक्षपात होता है, कौन से अधिकारी आपके हैं कौन से अधिकारी आपके नहीं है। नहीं, विपक्ष लेकिन तो अगर कोई विपक्ष तो आप पर ये भी आरोप लगा रहा है, तो ईमानदारी से जांच करता है तो वो यही कहेगा। आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी रफाल के लिए कागजात इकट्ठे कर रहे थे इसलिए आपने उनकी भी छुट्टी कर दी। मुझे नहीं पता आलोक वर्मा जी के साथ किसकी बात होती है और किसको आलोक वर्मा जी रिपोर्ट करते होंगे और आलोक वर्मा जी से कौन ऐसी बातें कर लेता होगा जो इतने सेंसिटिव मैटर होते हों जिसमें बताया गया हो आलोक वर्मा जी ने किसी के कान में बोला हो। जैसे पहले भी एक बार किसी प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रपति ने कान में बोला था लेकिन बाद में उस राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, कई कई ऐसे लोग हैं दुर्भाग्यवंश जो एक बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष बन गए राहुल गांधी जी जैसे, आज उन्हें इतना भी नहीं पता चलता कि मुझे बयान किस तरीके का देना है। जब दो अधिकारियों को अपने पद से छुट्टी पर भेजा जाता है ताकि निष्पक्षता से जांच हो, तो एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोले खड़ा होकर के कि ये अधिकारी ईमानदार है और दूसरा अधिकारी ईमानदार नहीं है। तो आपने पहले ही जांच से किसी को ग्रीन सिग्नल दे दिया और किसी को रेड सिग्नल दे दिया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पद नहीं है, ये सीबीआई का पद है। उनके राहुल गांधी जी के ऊपर चाहे 5,000 करोड़ के घोटाले के इल्जाम लगे हो, बेल पे बाहर हो, सोनिया गांधी जी बेल पर बाहर हो, वहां उनके पास ये अधिकार है, उनकी राजनीतिक पार्टी उनके कार्यकर्ता उनको वो पद पे बिठा के रखे सुशोभित करके रखे। लेकिन सीबीआई जैसी एजेंसी के अंदर अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, यही बात सीबीसी सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उसमें तो ऐसा लगने लगा आलोक वर्मा जी अचानक आपको अच्छे लगने लगे, वही राहुल गांधी जी वही खड़गे जी जो उनकी नियुक्ति के वक्त विरोध कर रहे थे आज अचानक अच्छे लगने लगे, रफाल बीच में कहां से आ गया? देखिए मसला यहां पर जी, मसला यहां पर ये नहीं, मसला देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का है। आज की डेट में राजीव जेटली जी अपने मास्टर्स को जैसे बचा रहे हैं, हमें हंसी भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है कि कम से कम कोई लोग तो हैं जो अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यहां पर प्रश्न आप अगर देखेंगी तो सच बात यह है कि अगर ये बहुत बेईमान अधिकारी थे तो अब तक इस पद पर क्यों थे? आज से पहले नहीं पता था इनको कि ये बेईमान अधिकारी हैं, आज ही इनको पता चला, रात में 12 बजे पता चल रहा है कि वो कर दे रहे हैं। रही बात रफाइल की, तो रफाइल के कागज वो इकट्ठे कर रहे थे, ये एक ओपन सीक्रेट है, सुप्रीम कोर्ट का ओपन सीक्रेट है, सब जगह का कला साहिबा ओपन सीक्रेट है। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो राजीव जेटली जी बात कर रहे हैं और आज इतनी निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, इतनी पारदर्शिता और सामाजिक और राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, जरा 2012 से लेकर के और 2014 तक के सारे आरोपों का सरकार के ऊपर जितने इन्होंने लगाए एक बार जरा उनको देख तो लेते, शर्म आ जाती इनको आज बात करते हुए। आज हम बात क्या कर रहे हैं, आज हम पूछ क्या रहे हैं इनसे? हम सिर्फ यही तो बात पूछ रहे हैं कि जो चीज है आप नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। पहले आपने आरबीआई जैसी संवैधानिक संस्था की ऐसी तैसी करी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आ गए, मतलब नियम के विरुद्ध करने का आपका अभिप्राय यह है कि दोनों को अपने पद पर रहते हुए जांच बिठाई जाए, वो अपने पदों पर बैठे रहे, ये नियम कहता है आपका? फिर आप मुझसे कहेंगी आपका नियम ये कहता है कि दोनों अपने पदों पर बैठे रहे, ये मजबूरी राहुल आपकी तो हो सकती है राहुल गांधी को लेकर, लेकिन देश की सबसे बड़ी सत्ता जांच एजेंसी की नहीं हो सकते। इसके बाद आप आएंगे कि इलेक्शन कमीशन, आपसे कहा आपकी मजबूरी हो सकती है, भ्रष्टाचारी को आपने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और उसके बाद ये सीबीआई की मजबूरी नहीं है। अरे भ्रष्टाचारी तो आपका अध्यक्ष, आपका प्रधानमंत्री और आपका बंधारू लक्ष्मण नरेंद्र मोदी, ये भ्रष्टाचारी तो फंसाने की बात हो रही, घोटाले में बेल पर बाहर नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, आपके अमित शाह भ्रष्टाचारी है, देश का चौकीदार चोर है, देश का चौकीदार चोर है। सच्चाई है कि आज की डेट में आप राहुल गांधी को कहेंगे तो नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, अमित शाह से बड़ा तड़ीपार कोई नहीं है, अमित शाह से बड़ा तड़ीपार कोई नहीं है। बंधारू लक्ष्मण 1,00,000 रुपए की घूस के आरोप में जेल गया, मैंने आपसे कहा ये आपकी मजबूरी हो सकती है, चोर है चौकीदार, प्रश्न उठाना एक बिल्कुल चोर है चौकीदार, और जांच भी सीबीसी कर रही है, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आप किसी ने किसी अधिकारी के फेवर में जब इसकी बात खड़े हो गए तब जाकर के राहुल आलोक वर्मा को हटा दिया आपने। सच्चाई है, राजीव जेटली स्वीकार करो कि चौकीदार चोर है, हमने कहा
किसी को नहीं हटाया, जांच हो रही है हमारी मजबूरी। इल्जाम लगे उस इल्जाम की निष्पक्षता से जांच हो ये सुनिश्चित करना सीबीसी के नाम में। ठीक है निनाद सिर के पास आ रही हूँ। निनाद जी मुझे बताइए सर, ये भूल सुधार बहुत देरी से हुई है, बहुत दखल बहुत बाद में दिया सरकार ने इसमें। देखिए अगर इस वक्त आप आपकी खुद की डिबेट देखें तो लिटिगेंट्स की जो इकोसिस्टम है वो हिल गई है कि भाई हम डायरेक्टर के सीबीआई को कैसे हटा दिया। चिदंबरम साहब का जजमेंट आने वाला था, काफी सारी चीजें होने वाली थी। हाँ। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहूंगा कि कोई और चारा ही नहीं था। डिप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, 3 करोड़ लेके आपने मामला बंद कर दिया, 2 करोड़ लेके आपने मामला बंद कर दिया। सीबीआई के अगर आगे चलना था तो इन लोगों को छुट्टी पे भेज के एक निष्पक्ष जांच होनी जरूरी थी। वो अब निष्पक्ष होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर एसआईटी का गठन हो रहा है, वो दिखनी चाहिए कि निष्पक्ष है, तभी हमें लगेगा कि कुछ हो रहा है। यहाँ पे आप 3 चीजें बहुत बहुत ब्रीफली मैं बोलूंगा। सीबीआई और एफबीआई में कुछ खास फर्क नहीं है। अमेरिका में लोग हमारे से ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है, पर एफबीआई का क्यों दबदबा है कि वहां पे कुछ भी करोगे तो जेल जाने का डर होता है। यहां तो कुछ भी नहीं है, 3 करोड़ में मामला दब जाएगा। अगर आप कॉमन लोगों से बात करेंगे, परसेप्शन इज एज इंपॉर्टेंट एज फैक्ट इन पॉलिटिक्स, तो लोग कह रहे हैं अगर 3 करोड़ में सीबीआई का डायरेक्टर मामला बंद कर सकते हैं तो लोकल एसएचओ कितना लेता होगा। तो इस वक्त फायर फाइटिंग के सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई चारा ही नहीं था, और फायर फाइटिंग करने के लिए इट वाज इंपॉर्टेंट कि ये लोग छुट्टी पे जाएं, और जब भी छुट्टी पे हैं तब एसआईटी बैठ के एक निष्कर्ष पे पहुंचे। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने इसमें देरी करी, पर देर आए दुरुस्त है। देखना यह है कि एसआईटी जो बैठती है वो निष्पक्ष होती है कि नहीं। और रही बात रूल्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउड है कि सीवीसी मतलब विजिलेंस के अंडर ये एसआईटी बिठाई जाए, इसके लिए आपको कॉलेजियम में जाने की जरूरत नहीं होती। तो मेरे ख्याल से और आखिर में जब तक कांग्रेस बोफोर्स और राफेल में क्या डिफरेंस है, बोफोर्स में एक पेपर ट्रेल था, बोफोर्स में एक अकाउंट नंबर था, यहाँ पे पेपर ट्रेल नहीं है। बिना पेपर ट्रेल के ये टीवी स्टूडियो का और ट्विटर का विषय बनेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक इश्यू तभी बनेगा जब पेपर ट्रेल आएगा। 500 करोड़ तो है, वो वाली डील खत्म नहीं हुई थी सर, कांग्रेस ने डील साइन नहीं करी थी। 500 करोड़ कांग्रेस डिड नॉट साइन दैट डील, दैट डील वाज नॉट साइन एनी फिगर कैन बी गिवन। कांग्रेस ने नहीं साइन की, 500 रुपए में मूंगफली खरीद रहे थे क्या? लेकिन एचईएल क्या खरीदा आपने? कौन सा पैक साइन किया? नहीं बनाया। कौन सा व्हाइट प्लेन खरीदा? वो राफेल बना रहा है, वो अनिल अंबानी चोर, अनिल अंबानी वो तो है। राजपूत जी एक मिनट सर, मुझे तो ये समझाइए रफाइलोफोबिया क्या है, ये अचानक ये टर्म कहाँ से आ गया? मैं शास्त्री जी को ले रही हूँ, क्यों लगता है ये बीच में रफाइल का एंगल घुसा दिया गया जबकि इस पर बात किसी और मामले को लेकर किसी और मामले पे घुस की थी? बिल्कुल मोइन कुरैशी का मुद्दा था, उसमें कहाँ से रफाइल आ गया? आपने बिल्कुल खाली मोइन कुरैशी का मुद्दा तो नंबर 2 नंबर 3 तक था मैम। अच्छा। आज की डेट में जब आलोक वर्मा को हटाया गया है तो निश्चित तौर पर राफेल का मुद्दा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ कागज जाने हैं, वो भी चीजें आपके सामने आएंगी जल्दी। अच्छा। क्योंकि देश में संविधान है, आज भी संविधधान नरेंद्र मोदी का नहीं है, देश का संविधान चलता है। आज, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस को अच्छे लगने लगे हैं, दिख रहा है आपको? नहीं, हमें तो सब अधिकारी अच्छे लगते हैं मैम। तो विरोध क्यों किया गया था नियुक्ति के वक्त? धर्म मैं कुछ बोलूं? हाँ, नियुक्ति के वक्त विरोध, अगर कोई बात आएगी तो राकेश अस्थाना का विरोध किया गया था, हम भी कर रहे हैं। विपक्ष के लिए मोहरा बन गए आलोक वर्मा, विपक्ष के लिए मोहरा बन गए सर, ये सेलेक्टिवनेस मत रखिए कम से कम। ये डिसाइड आप थोड़ी करेंगे, ये तो जनता करेगी मैम। मैं मेरी ये मानना है जो चीज मैंने, ये डिसाइड राहुल गांधी करेंगे। अरे भाई सुनो तो सही यार। ठीक है शास्त्री जी। नहीं, राहुल नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? बंगारू लक्ष्मण करेंगे और वो तड़ी पार अमित शाह करेगा। नहीं, राहुल करेंगे, उनकी मम्मी जी करेंगी। सर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बेल पे बाहर है वो डिसाइड करेंगे। अमित शाह करेगा, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी करेगी, राजीव जेटली साहब। शास्त्री जी कंटिन्यू, गो अहेड। ऐसा है राजीव साहब, मैं जरा बोलने दो। ऐसा है, इस देश की ऐसी दुर्भाग्य स्थिति है, जो नागरिक होने के नाते एक पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो उसका वेरिफिकेशन होता है। इतना बड़ा संविधान में स्पेशल डायरेक्टर की नियुक्ति कर रहे थे, क्या उनकी पूरी तरह जांच हुई थी? जांच हुई तो किस तरीके से जांच हुई थी? क्या स्पेशल डायरेक्टर की नियुक्ति होने से पहले क्या उस पद की वो लायक था?
क्या आज इस तरफ तुलना कर रहे हैं एक डायरेक्टर के साथ, उन दोनों के बीच में गड़बड़ हो गई थी, आप जांच कर रहे थे, कौन सी जांच ये सरकार गठित कर रही थी? क्या पानी आपकी पैर तक पहुंच गया था? बिफोर यू स्ट्राइक आई लेट मी स्ट्राइक, दिस इज दी स्ट्रेटजी। अरे कितने आदमी को आप चिल्ला चिल्ला के आप इंटेलेक्चुअल की तरफ बात करिए, समाधान दीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। दे सकते हैं तो देश को देना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने नहीं जिताई बीजेपी को, देश की वासी ने जिताया। देश का गान गानिए, कांग्रेस की गाना बंद करिए। सहमत हो सर, आप समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, जिस तरीके से आप बात करने की क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, बोलने के भाषण नहीं दे सकते, ठीक है, आप पदावली नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर सूरज, पूरा देश को ऐसे घुमाया, सबसे पहले आप कह रहे हो दोनों के बीच में सीबीआई में गड़बड़ हो गई, गड़बड़ करने वाला शुरुआत आप थे। चलो वो ऐसा है, ये दोषारोपण से ना न्यायोचित बात दूर हो जाती है। अरे ये कहां से आ गए, आपने कांग्रेस के दो प्रवक्ता कैसे बिठा लिए? अरे वे कांग्रेस के लिए छुप कर जरा कानून के समझे जरा, तुम कुछ पता नहीं है, बिना मतलब के राजनीति चलाते रहते हो। कभी संविधान को भी देखा है? कांग्रेस की कभी संविधान राजनीतिक विशेषज्ञ राहुल गांधी ने कितने एजेंट छोड़ रखे हैं मार्केट में? जी, एक मिनट जेटी जी, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन यहाँ बैठेगा और कौन नहीं। आई एम सॉरी, बता दो राजीव जेटली तड़ी पार अमित शाह के बारे में। डॉक्टर सूरज सिंह, देखिए ऐसा है, यहाँ मामला बड़ा सिंपल है। 2014 के बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सीबी डायरेक्टर के लिए एक स्पेशल कमेटी, पहले क्या होता था कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर और चार मेंबर और होते थे 2014 तक। बीजेपी ने आके उसमें अमेंडमेंट किया कि इसके लिए एक अपॉइंटमेंट्स कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या वो अवेलेबल ना हो तो सुप्रीम कोर्ट जज, जो भी चीफ जस्टिस मनोनीत करें। ये तीन लोगों की जो कमेटी है ये अपॉइंट करेगी, और साथ ही उसमें हटाने का प्रोविजन भी है सेक्शन 4A में कि टेन्योर पीरियड होगा, पहले टेन्योर नहीं था, फिक्स है दो साल से पहले नहीं हटा सकते। और दो साल से हटाने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको हटाने की पावर नहीं है तो उसको छुट्टी पे भेज दो, वो भी हटाने के बराबर है। देखिए, क्योंकि ना मैं बीजेपी से हूं ना मैं कांग्रेस से हूं, इसलिए मेरा, अरे आप सारे कांग्रेस है, कोई भी बातचीत करना चाहता है वो सारे कांग्रेस है, तो बीजेपी सिर्फ एक ही भाषा जानती है, कांग्रेस। और कांग्रेस, अरे कांग्रेस वाले ने नहीं जिताया, देशवासी वाले ने जिताया। तो अब यहाँ प्रश्न ये था कि जब, अरे शास्त्री जी, आपने मेरे साथ डिबेट किया, चुप करो, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर सुनना सीखो जरा, जेटली जी सुनना सीखो जरा, डिबेट करी है कि नहीं करी, आप बता रहे हैं तो सुनना सीखो, निकाल के दिखा सकता हूँ। कम टू यू प्लीज प्लीज एक्सप्लेन, बीच में इंटरप्ट करें, ठीक है जो बात, ठीक है, लेट मी स्पीक सर, लेट मी स्पीक, तो सीखने चाहिए, चाहे बीजेपी हो में कांग्रेस में हो, सभ्यता तो इनको सिखाओ, पहले इनको सभ्यता सिखाओ। तो यहाँ जो है प्रश्न ये था कि क्या संविधानिक तरीके से आलोक वर्मा जी को छुट्टी पर भेजा गया? जवाब है नहीं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्हीं पर आरोप थे, इनको नहीं हटाते तो जो है फिर तो निष्पक्ष न्याय हो ही नहीं पाता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट रोज आए दिन न्याय करती है,
ये नहीं कि उस दिन उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आरोपी गलत हो। अब आप इसका प्रैक्टिकल परिणाम देखिए, ठीक है, प्रैक्टिकल परिणाम इसका ये है कि दो साल की आपका टेन्योर है, जनवरी 2019 में वो पूरी हो रही है, सपोज करो आपको लीव में भेज दिया जनवरी तक, तो प्रैक्टिकली तो आपको डिसमिस कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कंसर्न क्या है कि सबका सीबीआई पर इतना ज्यादा विश्वास है कि जुडिशरी की तरह जब भी कोई बात होती है पुलिस से नहीं संभलती, सब कहते हैं इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ, इसका मतलब लोगों का सीबीआई पे आस्था है। सर सीबीआई पे आस्था, और अगर वो आस्था ही आज की डेट में, ठीक है, शक्ति यादव मेरे साथ जुड़े हैं, शक्ति यादव, ये अचानक वही आस्था आज गिरने की नौबत आ गई, विपक्ष सीबीआई का प्रयोग बल्कि दुरुपयोग सभी सत्ता वाले कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, निनाद जी के पास आऊंगी। सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऑटोनोमस होनी चाहिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि ऑटोनोमस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस से अलग हो, ना ये कांग्रेस कर पाई ना ये बीजेपी कर पाई। भारत का आम आदमी ये पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का क्या हुआ, ठीक है, कि सीबीआई इंडिपेंडेंट हो। शक्ति यादव, ये सीबीआई पर सरकार ने भूल सुधार किया है, अब सारे कांग्रेस है, लेकिन गृह युद्ध अगर अंदर ही चल रहा था तो उसमें दोनों दोषारोपण से काम नहीं चलेगा ना, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? नहीं, आपको माधुरी जी देखना पड़ेगा ये कि सीबीआई के जो विशेष निदेशक का जो पद क्रिएट किया, हाँ, वो सरकार ने की, एक्टिंग डायरेक्टर बनाया अस्थाना को, वो सरकार ने, इस पर 6 FIR ऑलरेडी है। सवाल ये उठता है कि अस्थाना ने आज तक जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर किए हैं। अच्छा। और वो सारे प्रथम दृष्टया में स्पष्ट होते हैं, और कई कहें तो मैं आपको नाम गिना दूं, कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में जिन पर 250, 200, 300 करोड़ रुपया लेने का साक्ष्य है, आरोप है पूर्ण रूपेण, उसे सरकारी गवाह बना करके पैसे डकार गए। आज कोई मिट कारोबारों से अगर ये आता है, आरोप लग रहा है कि इन पर पैसे लेने का, तो कोई नई बात मैं नहीं कहता। पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर किया, उनके खिलाफ तो गए थे ना आलोक वर्मा जी सुप्रीम कोर्ट, वहां से खारिज हुआ ना, अरे उनकी नियुक्ति को, उनकी नियुक्ति को वैध माना था ना कोर्ट ने। अरे मैंने तो, आप सुन तो, मैं तो कह रहा हूं कि जब एक्टिंग आपने बनाया तो पूर्णकालिक करने का आपको आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, लेकिन आप सरकार के प्रोगेटिव को चुनौती कौन दे रहा है? आप तो ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास है अधिकार, आपने क्रिएट किया स्पेशल डायरेक्टर, लेकिन आपके रिश्ते, चूंकि इनकी पहली पोस्टिंग राजकोट में थी राकेश अस्थाना की, और इनके लगातार जितने सफर है, इनके पूरे जीवन कार नौकरी जीवन का उठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन से साफ साफ इन्होंने काम किया है। सवाल आज देश की स्वतंत्र एजेंसियां पर अगर इतनी साख गिर जाएगी, उसकी साख देश के नजरों में, तो आवाम का क्या होगा? तो आज इसकी स्वायत्ता राजीव जेटली जी इसका जवाब दीजिए, राजीव जेटली जी इसका जवाब दीजिए सर, सवाल सीबीआई की साख पर सवाल उठ रहा है, कैटनों में सोना चाहिए। मैंने सबसे पहले आपसे ये पूछा, नहीं मैं आपको मैं दो ही बातें बोलूंगा। पहली बात यह कि इनकी पीड़ा बिल्कुल अपनी जगह पर जायज है। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ये लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से जो जेल में बैठे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, कहाँ चले गए हमने कहा, अरे तो क्यों नहीं गोधरा की बात कर लेते हो? मैं गोधरा की बात समझ में आती है, लोगों को बचाया अस्थाना ने, दूसरी बात ये मिश्र अस्थाना ने बचाया कि एक एक मिश्र अस्थाना ने बचाया, जिसके ऊपर भी सुनिए इसकी चर्चा कर लेना, ठीक है, ठीक है। शक्ति यादव, शक्ति यादव एक बार जवाब दे दीजिए जेटली जी को, एक बार जवाब दे दीजिए सर, एक बार जवाब दे दीजिए। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, वो तो जेल में बैठे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ बैठी हैं, आपके भाई नीरव मोदी भाग गए देश छोड़कर, खड़ी है मीडिया खोज ली देश के, हम कहते हैं कि दोनों ही अधिकारी जिनके ऊपर इल्जाम है देश को लूट लिया, उनकी अमिता के बेटे ने चले संदेश है यहाँ पर ये सीबीआई को अपनी राजनीति का मोहरा बनाना चाहते हैं पक्षपात करके, और एक तरफ बिल्कुल क्लियर कि दोनों को छुट्टी पे भेजा जाए, दोनों की निष्पक्षता से जांच हो। सीबीसी ने जब बार बार आग्रह किया, बार बार नोटिस जारी किया कि आपके पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करें, हर बार जरूरत है निकल जाने के बावजूद वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए गए, तो एलिगेशन दोनों तरफ लगे हैं। दोनों तरफ जब एलिगेशन लगे हैं तो दोनों ही अधिकारियों को अपने पद पर
उस वक्त नहीं बैठना चाहिए जिस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर आप अस्थाना पर बचाने के लिए सरकार को आपकी सरकार और नरेंद्र मोदी कैसे नहीं मुझे समझाइए। देखिए बिल्कुल नहीं, प्रोविजन बड़ा सिंपल है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन पे हटा सकती है। ये प्रोविजन है उसके हटाने के बाद दूसरी बात बड़ा इश्यू क्या है, बड़ा इश्यू इस वक्त क्या है, डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एक दूसरे को 3-3 करोड़ लेके केस दबाने का आरोप लगा रहे हैं। उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप कहें कि सीबीआई अपने आप को इन्वेस्टिगेट करे, वो तो हो नहीं सकता, तो उनको छुट्टी पे भेजा है, एसआईटी फॉर्म हुई है, ये भी रूल में है, देखना यह है कि एसआईटी अपना जॉब कहीं ये तो नहीं करती जो सीबीआई करती है। सीबीआई एवरेज 27 साल लगाती है एक केस में, और सीबीआई का एवरेज घिनौने मामलों और सीरियस मामलों में 7% का सक्सेस रेट है सिर्फ, ये हमने दिमाग में रखना चाहिए। इस वक्त एक सेकंड, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश, दो मिनट मैं सिर्फ दो ही चीज कह रहा हूँ। क्या अब देखिए इस वक्त लोगों में बहुत ज्यादा शक का माहौल है, तो एसआईटी जो बनी है क्या वो एसआईटी सचमुच ऐसे लोगों से बनी होगी जो निष्पक्ष जांच कर पाएंगे कि नहीं? और दूसरी बात, मैंने जैसे पहले कहा लुटियंस दिल्ली की इकोसिस्टम में डर ये है कि अरे सीपी हमारे आदमी को निकाल दिया, देखा आप देख रहे हैं कि आलोक वर्मा के निकालने का लोगों को बहुत दिक्कत है, अस्थाना को निकालने की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत क्यों है ये तो आपने इनसे पूछना चाहिए। आलोक वर्मा से इतना प्यार, अस्थाना की वजह से तो आलोक वर्मा को निकाला है, ठीक है ठीक है, के लिए लीव पे गए हैं। ये अचानक पार्टी क्यों बन जाते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, अचानक पार्टी क्यों बन जाते हैं आप लोग की? अस्थाना जी को निकालने पे आप सवाल नहीं पूछे लेकिन आलोक वर्मा पर आपको दुख है? आरोप तो दोनों पे लगे, आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं आलोक वर्मा को। एक आदमी के खिलाफ पूरा शुरुआत से उसकी पोस्टिंग से लेके आज तक आरोप है, और पुख्ता आरोप है, बाकायदा रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप है, सारी चीज है, जिसके प्रत्युत्तर में उसने अपने सीनियर के ऊपर आरोप लगाए हैं। आलोक वर्मा के ऊपर किसी आदमी ने आरोप नहीं लगाए, उसके डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल डायरेक्टर ने आरोप लगाए हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कोई हत्या का मुजरिम पुलिस वाले को कह दे, आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, घर में व्हाट्सएप ले रही है, व्हाट्सएप कर लूं मैं, व्हाट्सएप में लाउड नहीं है, बार बार डायरेक्टर से 10 साफ साफ शब्दों में कहा था स्टेरलिंग बायोटेक की नाम पे उनकी डायरी मिली थी, डायरी में इनका नाम था जब अपॉइंटमेंट थी, दोनों में कितना झूठ बोलोगे, देश की जनता देख रही है इस तरीके से पक्षपात हो रहा है। एक तरफ निष्पक्ष जांच के लिए दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा जाता है ताकि निष्पक्ष जांच हो, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं कि मैं इस अधिकारी के साथ खड़ा हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ प्रक्रिया में, ठीक है, मैं सहमत नहीं हूँ।